मिश्रा, मैं आर्यव्रत हृदय के सभी व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस कहना चाहूंगी और साथ ही साथ नए साल की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। पता है कि सीरिया में हमेशा एक खबर रहा है विद्यार्थी का, युवाओं का और छात्राएं छात्राएं का खबर रहा है सीरिया में, और ये थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, पटना का पुराना पटना मुसलापुर एरिया उठना जाता है, तो इस एरिया में वैक्सीन करवाना बहुत बहुत ज़्यादा क्योंकि पहली बार में ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा वहाँ वैक्सीन चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने वैक्सीन करवा रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से मदद मिलता है और सरकार की ओर से मदद मिलता है, वैक्सीन करवा रहे हैं युवा से। यानी आप युवा हो के युवा के लिए आपने सोचा कि यहाँ पर युवा के लिए ही सारा कार्यक्रम चलाया जाए, उसको देखते हुए? देखिए बात ऐसा है कि युवा है तो युवा के लिए सोचना ही होगा, हम एक युवा निकलते हैं तो मेरे हिसाब से कई युवा निकलेगा कि अपना काम करने के लिए, और करना क्या हम लोग को समाज में तो काम करना ही है, नए पीढ़ी है नए लोग हैं तो समाज के लिए तो लड़ना ही है, तो जहाँ भी समाज हित में काम होता है तो हम लोग आगे चल के काम करते हैं। मैंने देखा है कि आप कोरोना काल में भी लोगों के बीच गए, स्वच्छता पे भी आपने काफ़ी अभियान स्टार्टअप किया था आपने। जी 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 जी, स्वच्छता पर तो काम हम लोग कर ही रहे, स्वच्छता पर भी काम किया हम लोग ने, जनता को जागरूक करने का भी काम किया, अपने युवाओं को जागरूक करने का काम किया, अपने अपने वार्ड नंबर 43 के लोगों को जागरूक करने का काम किया, हम लोग का तो काम ही है, समाज का हूँ सामाजिक हूँ तो काम ही है जागरूक करना, और लोग को जागरूक करते हम लोग आ रहे हैं। आपने इतना काम किया कि अब तो लोग चाह रहे हैं कि आप वार्ड प्रत्याशी का चुनाव। ये वार्ड पार्षद हमारी जनता तय करेगी, वार्ड नंबर 48 की जनता, ये वार्ड पार्षद में मुझे लाते हैं या ना लाते हैं ये हमारी जनता की राय होगी, हमारी राय नहीं होगी। अगर हमारी वार्ड नंबर की वार्ड 48 की जनता अगर बोलती है आप प्रत्याशी के रूप में आप आइए तो जरूर आएंगे, हमें कोई धूमत नहीं है, हम लोग आएंगे, लेकिन जनता की राय से आएंगे, जनता चाहेगी तो। मेरा परिचय विकास कुमार विक्की मेहता, जदयू का मैं युवा पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ लेबर का बड़ी उपाध्यक्ष हूँ, और मैं अपनी युवा शक्ति टीम भी चलाता हूँ, और हमारी हमेशा अपेक्षा रहता है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बिहार ऐसा जगह रहा है जहाँ पे संस्कार के मामले में बिहार सबसे आगे, पूरा भारत को उठाइए तो संस्कार, और जो बिहार में जो शक्ति है, बिहार के लोग में जो शक्ति है शायद कहीं के लोग में शक्ति नहीं है, हर चीज़ में ही आगे रहने वाले बिहारी हैं, तो बिहारी हम लोग काम करने निकले और काम करते रहेंगे।